हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योगेंद्र सुमन और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल नॉलेज पॉइंट पर। आज देखिए, हम हमारे चार यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है टॉपोलॉजी के अंदर और आज हम हमारी लास्ट एंड फिफ्थ यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। हमारी लास्ट यूनिट का जो नाम है वो है प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको नाम से पता पड़ रहा होगा, प्रोडक्ट का सिंपल सा मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आपको कोई दो नंबर्स को या कोई दो सेट्स को या कोई दो टोपोलॉजीज को क्या करना है, मल्टीपल करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से जो बनेगा आपके पास वो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट स्पेस बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने केवल सिंगल सिंगल स्पेसेस के बारे में पढ़ा था। जैसे कि हमने पढ़ा था एक्स टी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, वाई भी कोई अदर टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो ये अलग अलग टोपोलॉजिकल स्पेस है। जब हम इनके प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि ये किस तरह से डिफाइन होते हैं, इनका प्रोडक्ट स्पेस किस तरह से डिफाइन होता है। हमने टोपोलॉजी के, जैसे हमारे पास कोई एक्स टी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है तो हमने बात की थी इसके बेस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो जब आप कोई दो टोपोलॉजिकल स्पेस, सपोज एक टोपोलॉजी जिसको मैं मान लेता हूं एक्स टी कोमा वाई वी और दूसरा टोपोलॉजिकल स्पेस जिसको कोमा मान लेता हूं मैं वाई कोमा वी, तब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर मेरे को एक नई टोपोलॉजी मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद जो एक नई टोपोलॉजी मुझे मिलती है हम उसको डिफाइन करेंगे, उसका नाम देंगे और उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, उसके लिए बेस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारे इस यूनिट में आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सबसे पहले हमारे पास थ्योरम क्या है कि लेट एक्स टी एंड वाई वी बी टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस। ठीक है स्टूडेंट, एक्स टी और वाई वी हमारे पास कोई दो टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन द कलेक्शन बी इज इक्वल्स टू जी क्रॉस एच, वेयर जी इज एलिमेंट ऑफ टी एंड एच इज एलिमेंट ऑफ वी। ठीक है स्टूडेंट, तो जहां पर जी एलिमेंट आपका किसका है, आपका जी एलिमेंट है टी का और एच एलिमेंट किसका है, वी का। देन द कलेक्शन इज अ बेस फॉर सम टोपोलॉजी फॉर एक्स क्रॉस वाई। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आपके पास क्या होगा कि एक्स टी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, वाई भी कोई दूसरा टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो इनके प्रोडक्ट करने के बाद हमें एक नया स्पेस मिलेगा और उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, एक नया बेस को शो कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, देखो इस थ्योरम में कुछ भी नहीं है, एक कलेक्शन दिया गया है और उसको किसी टोपोलॉजी के लिए आपको क्या शो करना है, बेस शो करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो बेस शो करने के लिए आपको पता है कि आपने थर्ड सेमेस्टर में एक थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम का क्या नाम है कि एक्स टी इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस इफ एक्स टी इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस देन अ कलेक्शन कैपिटल बी वेयर बी, इसमें कैसे एलिमेंट आ रहे हैं, देन अ कलेक्शन कैपिटल बी, बी इज एलिमेंट ऑफ बी इज अ बेस फॉर सम टोपोलॉजी इफ एंड ओनली इफ। देखिए स्टूडेंट, आपके पास एक्स टी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है तब कोई कलेक्शन, इस कलेक्शन का कुछ भी आप नाम दे सकते हो, के नाम दे सकते हो, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। सपोज मैंने इसका नाम क्या दे दिया, वी दे दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो कलेक्शन है ये किसी सेट के, किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए क्या बनेगा, बेस बनेगा। क्या बनेगा, बेस बनेगा। कब बनेगा, इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई, इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशंस। दो कंडीशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। पहली कंडीशन क्या है, देखो पहली कंडीशन है आपके पास कि आपका जो x है उसको लिखा जा सकता है यूनियन ऑफ b वेयर b इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल b। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी जो आपकी कंडीशन है वो कंडीशन आपके पास ये है कि फॉर ईच x इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल x के लिए एंड फॉर एवरी b1 एलिमेंट कैपिटल b, b2 एलिमेंट कैपिटल b, देयर एग्जिस्ट b इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल, देयर एग्जिस्ट एंड, ऐसे लिखते हैं ठीक है, एंड x इज एलिमेंट ऑफ b1 इंटरसेक्शन
बीटो देन देर एग्जिस्ट देन देर एग्जिस्ट B is element of capital B such that X is element of B subset B1 intersection B. ठीक है स्टूडेंट, मतलब आपके पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है तो कोई कलेक्शन उस टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए क्या बनेगा, बेस बनेगा इफ एंड ओनली इफ वो इन दो कंडीशंस को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो. पहली कंडीशन ये है आपके पास कि x एलिमेंट x के लिए फोर एवरी x इज एलिमेंट ऑफ x के लिए फोर ऑल या फोर ईच बी वन इज एलिमेंट ऑफ b बी टू इज एलिमेंट ऑफ b एंड x इज एलिमेंट ऑफ बी वन इंटरसेक्शन बी टू बी वन इंटरसेक्शन बी टू देन देर एग्जिस्ट b इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल b सच दैट X is element of B subset B1 intersection B2. तो कंडीशन नंबर सेकेंड आपकी ये है. तो पहली कंडीशन है कि X को आप उस सेट के जिसको आप बेस बताना चाहते हो उसके एलिमेंट्स के यूनियन की फॉर्म में क्या कर सको, एक्सप्रेस कर सको. तो पहली कंडीशन ये है कि X can be expressed as the union of the element of capital B. ठीक है स्टूडेंट, जिसको हम बेस शो करना चाहते हैं. दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका B1 एलिमेंट B का है, B2 एलिमेंट B का है, तो B1 इंटरसेक्शन B में आपको एक ऐसा बेस ढूंढना पड़ेगा सच दैट वो इस कंडीशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो. तो आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी. ये एक थ्योरम है आपके थर्ड सेमेस्टर के अंदर. ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं. देखिए तो इस थ्योरम में क्या करना है, हमें x क्रॉस y के लिए इस कलेक्शन b को क्या शो करना है, बेस शो करना है. ठीक है स्टूडेंट, तो जिस कलेक्शन को बेस शो करना है तो वो बेस तभी हो पाएगा जब वो कलेक्शन क्या करे, इन दो कंडीशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो. ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब क्या करते हैं हम इसमें, द कलेक्शन कैपिटल बी ऑफ सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई ऑफ सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई इज अ या ऐसे लिख दो विल बी अ बेस फॉर सम टोपोलॉजी फॉर x क्रॉस y. मतलब ये जो कलेक्शन है आपके पास कैपिटल B, ये इसके लिए किसी टोपोलॉजी किसके लिए, इसके लिए बेस बनेगा इफ इट सेटिस्फाई दिस टू फॉलोइंग कंडीशन, इफ इट इज सेटिस्फाइड द फॉलोइंग टू कंडीशंस. ये अगर दो कंडीशंस को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो. कंडीशन नंबर फर्स्ट, एक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, है ना. अब आपके पास यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ पर आपके पास है एक्स क्रॉस वाई, और यहाँ पर आपके पास बी नहीं है, यहाँ पर है आपके पास जी क्रॉस एच. ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए क्या लिखूंगा मैं, इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशन. कंडीशन नंबर फर्स्ट, एक्स क्रॉस y is equals to union of, ये जो b है वो किसके है, b के, कैपिटल b के, जिसको बेस शो करना है उसके एलिमेंट्स के यूनियन की फॉर्म में क्या किया जा सके, x को एक्सप्रेस किया जा सके. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसको बेस शो करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके एलिमेंट्स के यूनियन की फॉर्म में किसको एक्सप्रेस कर दूंगा, इसको एक्सप्रेस कर दूंगा. मतलब अगर ये G क्रॉस ये जो B है इसके एलिमेंट के यूनियन की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, वेयर G इज एलिमेंट ऑफ T एंड H इज एलिमेंट ऑफ B. कंडीशन नंबर सेकेंड, वी वांट टू शो कंडीशन नंबर सेकेंड, दैट क्या है कंडीशन नंबर सेकेंड हमारे पास, कंडीशन नंबर सेकेंड ये है कि फोर ईच X इज एलिमेंट ऑफ किसका, X क्रॉस Y का. बट देखिए स्टूडेंट, आपके पास ये प्रोडक्ट स्पेस है, क्या है, प्रोडक्ट स्पेस. तो प्रोडक्ट स्पेस में आप जब एलिमेंट्स मानते हो तो वो टुपल्स की फॉर्म में मानना पड़ता है, एक्स क्रॉस
y, ठीक है। आपको पता होगा कि अगर x के अंदर 1, 2 है, y के अंदर आपके पास a कोमा b है, तो x क्रॉस y के अंदर क्या आएगा आपके पास, 1 कोमा a 1 कोमा b 1 कोमा a 1 कोमा b, और 2 कोमा a 2 कोमा b 2 कोमा a 2 कोमा b। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि x क्रॉस y के अंदर पेयर्स की फॉर्म में एलिमेंट्स आएंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंडीशन नंबर सेकंड के लिए मुझे पेयर मानना पड़ेगा। तो मैंने x4 8 x कोमा y इज एलिमेंट ऑफ x क्रॉस y। तो आपके किसी के मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि सर आपने पेयर की फॉर्म में क्यों माना, जबकि यहाँ तो सिंगल एलिमेंट होता है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास सेट कैसा है। अगर सेट x क्रॉस y क्रॉस z होगा तो x कोमा y कोमा z मुझे मानना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या माना, x कोमा y इज एलिमेंट ऑफ x क्रॉस y एंड फॉर एवरी b1 एलिमेंट ऑफ कैपिटल b, b2 इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल b, एंड x इज एलिमेंट ऑफ b1 इंटरसेक्शन b2, देयर एग्जिस्ट देन देयर एग्जिस्ट b इज एलिमेंट ऑफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास मैंने यहां पर क्या लिख, एंड x कोमा y। अब एक बात बताइए स्टूडेंट, आपके पास यहां पर जो मेरा b है, यहां पर जो मेरा b है, क्या b में इस तरह के एलिमेंट है? नहीं, b में मेरे पास एलिमेंट है g क्रॉस h टाइप के। तो मुझे यहां पर क्या मानना पड़ेगा, मुझे मानना पड़ेगा g1 क्रॉस h1, ठीक है स्टूडेंट। और मुझे यहां क्या मानना पड़ेगा, g2 क्रॉस H2 is element of capital B। आपको convenient हो इसलिए आप इसको B1 मान लीजिए और आप इसको B2 समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो and x comma y is element of B1 intersection B2। अब देखिए आपने B1 और B2 change किए तो क्या होगा, G1 cross H1 intersection G2 cross H2, ठीक है स्टूडेंट। देन देयर एग्जिस्ट, तब आपको एक ऐसा b ढूंढना पड़ेगा, किसके अंदर, b के अंदर, पर b के अंदर b नहीं है, b के अंदर किस तरह के b है, b के अंदर तो जो एलिमेंट होगा वो इस तरह का होगा कैपिटल b। तो कंडीशन वही है कि हर x के लिए, x इज एलिमेंट ऑफ x के लिए आपको b1 और b2 का जब आप इंटरसेक्शन करते हो तब आपको एक b ऐसा मिलता है, such that this condition x is element of g cross h is subset of g1 cross h1 intersection g2 cross h2, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए आपको ये दोनों कंडीशंस क्या करनी पड़ेगी, शो करनी पड़ेगी। अब देखिए सबसे पहले कंडीशन नंबर फर्स्ट को हम कैसे प्रूव करेंगे, सिंस आपके पास, देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या कहती है कि आपको x क्रॉस y को इसके यूनियन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ये जो एलिमेंट है वो किसका है, यहां पर जो एलिमेंट होते हैं वो जिसको बेस शो करना है उसके होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो g क्रॉस h यहां पर मैंने लिख दिया, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट को शो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x क्रॉस y को इसके एलिमेंट्स के यूनियन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अब आप एक बात बताइए, सिंस t इज अ टोपोलॉजी फॉर x एंड v इज अ टोपोलॉजी फॉर v, देन v कैन राइट और नॉट, x इज एलिमेंट ऑफ t एंड y is element of capital V। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, x is element of t and एक मिनट ये जो आ रहा है, ठीक है, तो x is element of t and y is element of V। तो एक बात बताइए, जब मैं इनका प्रोडक्ट कर दूंगा तो x cross y एलिमेंट कहां जाएगा, देखिए जब मैं t के एलिमेंट और v के एलिमेंट का प्रोडक्ट करता हूं वो तो कहां जाता है, b के अंदर, तो इनका प्रोडक्ट कहां जाएगा, ऑब्वियसली मेरे पास b के अंदर। तो हैंस ऐसे लिख दूं मैं क्लियरली, वी कैन राइट यहां नीचे वी कैन राइट क्लियरली, वी कैन राइट x क्रॉस
y is union of g cross h, where g is element of t and h is element of v. ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, ठीक है स्टूडेंट? चलो मैं बता देता हूं आपको। एक बात बताइए मुझे, x क्रॉस y है किसके अंदर? b के अंदर। तो क्या मैं x क्रॉस y को ऐसे नहीं लिख सकता? x क्रॉस y को ऐसे नहीं लिख सकता क्या? g1 या कुछ भी मान लीजिए आप, g डैश h डैश यूनियन g डबल डैश क्रॉस h डबल डैश यूनियन x क्रॉस y। अब एक बात बताइए, ये सब किससे छोटे हैं? x क्रॉस y से छोटे हैं, तो डेफिनेटली इन तीनों का यूनियन क्या आएगा आप मुझे बता दिए। सबसे बड़ा कौन है? x सबसे बड़ा है, तो g डैश भी x में है, g डबल डैश भी x में है, और x तो खुद x में है, तो इन तीनों का यूनियन करने पर ये आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है स्टूडेंट्स, इन तीनों का यूनियन करने पर ये आ रहा है। इसका मतलब आप देखिए, ये एलिमेंट कहां का है मेरा? बी का। ये एलिमेंट मेरा कहां का है? बी का। और ये एलिमेंट बी अभी जस्ट मैंने कहां शो कर दिया? बी में मैंने इसको शो कर दिया। तो हो गया ना, एक्स क्रॉस वाई कैन बी एक्सप्रेस एज द यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल बी। तो जिसके एलिमेंट्स के यूनियन की फॉर्म में आपने एक्सप्रेस किया, वो क्या बन जाता है? आपका बेस बन जाता है। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट तो ये आपके फॉलो हो गई, ठीक है? आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली इसके अंदर, ठीक है? तो ये आप अच्छे से समझिए कि ये मैंने कैसे लिख दिया डायरेक्टली। देखो g क्रॉस h है ना, g क्रॉस h कोई ना कोई, देखो b यहां पर कैपिटल b है, कैपिटल b के अंदर x क्रॉस y है, तो एक बार बताइए x क्रॉस y को मैं यूनियन x क्रॉस y लिख सकता हूं ना, जहां x t का है, y v का है, ठीक है स्टूडेंट? तो ये क्लियरली आपके हो जाएगा। नहीं आए समझ में तो कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। अब देखिए, हमारा फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया, अब टू प्रूव सेकेंड। हमें हमारा सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है। सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है, उसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले हमको क्या करना है, फॉर ईच x इज एलिमेंट ऑफ x के लिए, यहां देख लीजिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, x कोमा y एलिमेंट इसके अंदर मानना है, b1 भी मानना है, b2 भी मानना है, और ये वाली कंडीशन भी मानना है, देन हमको शो करना है कि आपके पास g क्रॉस h ऐसा मिलेगा जो ऐसा हरकत करता हो, ठीक है स्टूडेंट? समझ में आई बात आपको, ठीक है? देखो यहां पर क्या करना है आपको, कंडीशन नंबर सेकंड शो करने के लिए सबसे पहले देखो यहां पर ये भी मानना है, फॉर ईच एक्स कोमा वाई इज एलिमेंट ऑफ एक्स क्रॉस वाई, ये भी मानना है आपको, जी वन क्रॉस एच वन, जी टू क्रॉस एच टू, एंड ये भी मानना है आपको, देन के बाद जो आता है वो शो करना होता है, तो देन आपको ऐसा शो करना है, देन आपको ऐसा देर एग्जिस्ट जी क्रॉस एच बी के अंदर से ढूंढ के लाना है जो ऐसी हरकत करता हो। तो तीनों कंडीशन ये और ये तो मैं मान के चलने वाला हूं, ठीक है स्टूडेंट? अब देखिए, तो सबसे पहले टू प्रूफ सेकंड करते हैं, तो इसमें क्या करूंगा मैं, लेट, और देखिए यहां पर है आपके पास फोर ईच। जब भी आपके पास कोई थ्योरम है कि फोर ईच फोर ऑल, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले हम हर एक एलिमेंट के लिए थ्योरम को शो नहीं करते, हम एक एलिमेंट लेते हैं आर्बिट्री, क्या एलिमेंट लेते हैं? आर्बिट्री एलिमेंट लेते हैं, और उस आर्बिट्री एलिमेंट के लिए थ्योरम को क्या कर देते हैं? शो कर देते हैं, और फिर हम कह देते हैं कि ये अगर थ्योरम आर्बिट्री एलिमेंट एक्स के लिए ट्रू है, तो ये हर एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। तो मैं यहां क्या करूंगा, एक एक्स मानूंगा, एक बी वन मानूंगा, एक बी टू मानूंगा, और उस के लिए मैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी वन इंटरसेक्शन बी टू मानूंगा, और शो कर दूंगा कि मेरे पास एक बी एलिमेंट कैपिटल बी के अंदर ऐसा है जो कैसी हरकत करता है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी सबसेट बी वन इंटरसेक्शन बी टू। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, बी वन बी टू जो है वो आपके जी वन क्रॉस एच वन और जी टू क्रॉस एच टू है, और कैप और जो बी है आपका वो जी क्रॉस एच है, और जो एक्स है आपका वो एक्स कोमा वाई है, ठीक है स्टूडेंट? ऐसा क्यों मान रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द गिवन टोपोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द गिवन सेट, ओके स्टूडेंट्स? अब देखिए, लेट एक्स कोमा वाई
इज एलिमेंट ऑफ एक्स क्रॉस वाई एंड एंड जी वन क्रॉस एच वन इज एलिमेंट ऑफ बी, जी टू क्रॉस एच टू इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी। कन्वीनियंट के लिए आप समझने के लिए आप इसको बी वन लिख दीजिए और आप इसको क्या लिख दीजिए, बी टू लिख दीजिए, ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी वन इंटरसेक्शन बी टू, दैट इज जी वन क्रॉस एच वन इंटरसेक्शन जी टू क्रॉस एच टू, ठीक है स्टूडेंट। अब हमको क्या शो करना है, हमको यहां पर शो करना है कि मुझे देयर एग्जिस्ट एक जी क्रॉस एच ऐसा मिलेगा जो इस ऐसी हरकत करता हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपने सॉरी यहां पर मैं लिखता हूं एक्स कोमा वाई। अब देखें सिंस देयर फॉर ऐसे लिखते हैं सिंस एक्स कोमा वाई इज एलिमेंट ऑफ जी वन क्रॉस एच वन इंटरसेक्शन जी टू क्रॉस एच टू इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करेंगे, इंप्लाई करेगा कि एक्स कोमा वाई इज एलिमेंट ऑफ जी वन क्रॉस एच वन एंड एक्स कोमा वाई इज एलिमेंट ऑफ जी टू क्रॉस एच टू। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट के अंदर होता है आगे वाले में पीछे वाला पीछे में, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज एलिमेंट ऑफ g1, y इज एलिमेंट ऑफ h1, x इज एलिमेंट ऑफ g2, y इज एलिमेंट ऑफ h2, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसकी और इसकी कनेक्टिविटी बिठाइए, तो ये हो जाएगा आपका x इज एलिमेंट ऑफ g1 इंटरसेक्शन g2। देखो x g1 में भी है और x g2 में भी है, इसी तरह से आपके पास हो जाएगा y h1 में भी है y h2 में भी है, तो y इज एलिमेंट ऑफ h1 इंटरसेक्शन h2। अब एक काम कीजिए आप इसको बोल दीजिए x इज एलिमेंट ऑफ g, ठीक है, g1 इंटरसेक्शन g2 इज इक्वल टू g, किस सुविधा के लिए आप इसको g बोल दीजिए। एंड y इज एलिमेंट ऑफ h1 इंटरसेक्शन h2 इज इक्वल टू h, सुविधा के लिए आप इसको क्या बोल दीजिए, h बोल दीजिए, मान लीजिए कि ये h है और आपका। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखिए x एलिमेंट g का है y एलिमेंट h का है, तो x कोमा y उनके प्रोडक्ट में जाएगा, g क्रॉस h में आपके पास चला जाएगा। अब देखिए कंडीशन मुझे यही तो करनी थी आपको शो कि मेरे पास एक g क्रॉस h ऐसा मिले जो ऐसी हरकत करता हो। अब देखिए सबसे पहले मेरे पास ये जो g क्रॉस h है, ये आपको एक बात बताइए, क्या मैं मेरा काम हो गया, नहीं हुआ मेरा काम अभी, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुझे g क्रॉस h तो मिल गया पर ये जो g क्रॉस h है आपको पता है ये कहां पर है, मुझे भी नहीं पता ये कहां पर है, ये g क्रॉस h अभी कहां पर है इसकी कोई वो गारंटी नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये जो g क्रॉस h है वो कहां पर होना चाहिए, किसके अंदर होना चाहिए, b के अंदर होना चाहिए, जिसको बेस शो कर रहे हैं उसके अंदर होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम इसको शो करेंगे कि ये किसके अंदर है, हमारा बेस के अंदर है। अब देखिए सिंस एक्स इज एलिमेंट ऑफ जी एंड जी इज एलिमेंट ऑफ टी, वाई इज एलिमेंट ऑफ एच एंड एच इज एलिमेंट ऑफ वी, ठीक है स्टूडेंट्स। आपका अच्छा इतना मत लिखिए, आप तो इतना सा लिख दीजिए ना, जी इज एलिमेंट ऑफ टी, वाई इज एच इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी, देन दियर प्रोडक्ट जी क्रॉस एच इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी, वाई सो। अच्छा एक बात बताइए, मैंने ये जो डायरेक्ट लिखा कि ये टी में है और ये बी में है, क्या आपको समझ में आया, नहीं आया होगा, क्योंकि देखिए जीवन आपका, देखो जीवन जो है आपका स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि जीवन क्रॉस एच वन इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी,
अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था ये एलिमेंट कौन सा है, कैपिटल बी का है। तो जो कैपिटल बी के अंदर होते हैं उसमें से आगे वाला टी का होता है, पीछे वाला बी का होता है। तो जीवन एच वन है तो जीवन टी का होगा, एच वन बी का होगा। तो जीवन इज एलिमेंट ऑफ टी, ठीक है। और आपके पास एच और आपके पास जी टू इज एलिमेंट ऑफ टी, एच वन इज एलिमेंट ऑफ बी और H2 टू इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल V हो जाएगा। तब आपके पास सिंस D इज अ टॉपोलॉजी, सिंस V कैन राइट G1 इंटरसेक्शन G2 इज एलिमेंट ऑफ T एंड H1 इंटरसेक्शन H2 इज एलिमेंट ऑफ V। ये तो अपना वाला G है और ये भी अपने वाला क्या है, H है, ठीक है स्टूडेंट। ये तो अपना वाला है। अब देखिए, तो ये जो G है वो टॉपो के अंदर चला गया, H V के अंदर चला गया, तो उनका प्रोडक्ट अगर जी टी के अंदर है, एच बी के अंदर है, तो उनका प्रोडक्ट डेफिनेटली क्या होता है, बी के अंदर। दस जी क्रॉस एच इज एलिमेंट ऑफ बी, सिंस जी इज इन टी एंड एच इज इन वन बी। ओके स्टूडेंट, देन देयर प्रोडक्ट विल बी इन कैपिटल बी। अब देखिए, हमारा ये तो शो हो गया कि हमने क्या किया, हमने बी वन मतलब जी वन क्रॉस एच वन और जी टू क्रॉस एच टू लिए थे, उनका इंटरसेक्शन में एक पॉइंट लिया था और उसके लिए G क्रॉस H में ऐसा ढूंढ के ले आया था, ठीक है स्टूडेंट। मैं G क्रॉस H ढूंढ के तो ले आया, पर वो जो G क्रॉस H में लाया वो अभी केवल मैंने ढूंढा ही है, अभी वो दूसरी कंडीशन को भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। आपकी कंडीशन है दूसरी कि देयर एग्जिस्ट जी क्रॉस एच सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ जी क्रॉस एच सबसेट जी वन क्रॉस एच वन इंटरसेक्शन जी टू क्रॉस एच टू। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए कैसे शो करते हैं हम उसको। नाउ इट रिमेन टू शो दैट, नाउ इट विल बी रिमेन टू शो दैट, अभी केवल हमने देर एग्जिस्ट जी क्रॉस एच इज एलिमेंट ऑफ बी ढूंढा है, अभी हमको शो करना है एक्स इज एलिमेंट ऑफ जी क्रॉस एच सबसेट जी वन क्रॉस एच वन इंटरसेक्शन जी टू क्रॉस एच टू, अभी हमको ऐसा शो करना है। अब देखिए, इट विल बी रिमेन टू शो दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ, अच्छा एक्स नहीं, आपके पास एक्स कोमा वाई, एक्स इज एलिमेंट ऑफ जी क्रॉस एच सबसेट ऑफ जी वन इंटरसेक्शन एच वन, सॉरी जी वन क्रॉस एच वन इंटरसेक्शन जी टू क्रॉस एच टू। अब आपको शो करना है ऐसा कि ये ऐसा मिल तो गया, पर वो ये जो आपके पास ऐसा मिल तो गया पर वो ऐसी हरकत भी करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अब आप इसको कैसे शो करेंगे, देखो एक दूसरे का सबसेट के कंटेनमेंट की बात है तो इसमें से एलिमेंट मानेंगे और उसमें शो कर देंगे, ठीक है। नाउ लेट पी कोमा क्यू इज एलिमेंट ऑफ जी क्रॉस एच, आपने माना कि पी कोमा क्यू एलिमेंट, इसमें एलिमेंट मानूंगा और उसमें शो कर दूंगा, तो पी कोमा क्यू इज एलिमेंट ऑफ जी क्रॉस एच, इट इज इंप्लाइज दैट पी इज एलिमेंट ऑफ जी एंड एच इज एलिमेंट ऑफ एच, सॉरी Q is element of H. Since आपका जो G है वो कौन है, वो तो G1 intersection G2 है, and आपका जो H है वो तो H1 intersection H2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास P is element of G1, P is element of G2, and Q is element of H1, और ये हो जाएगा आपके पास Q is element of H2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपका जो P है वो किस किस के अंदर है, P ये P G1 के अंदर है, Q H1 के अंदर है, तो P कोमा Q हो जाएगा G1 क्रॉस H1 के अंदर, ठीक है। इनका जो प्रोडक्ट होगा वो तो G1 क्रॉस H1 में होगा, और P का और Q का फिर से जो प्रोडक्ट होगा वो कहाँ होगा, P कोमा Q इज एलिमेंट ऑफ G2 क्रॉस H2, सिंस जो प्रोडक्ट होता है, देखिए ये इसमें हो गया ये इसमें हो गया, इट इंप्लाइज दैट पी कोमा क्यू इज मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ जी वन क्रॉस एच वन एंड इंटरसेक्शन जी टू क्रॉस एच टू, ये इसमें भी है देन इट विल बी इन
इन देयर इंटरसेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये आपका शो हो गया, फिर से मुझे इसको रब करना पड़ेगा, आप नोट कर लीजिए। अब देखिए 10 10, अब मैं कंडीशन से वापस लिखने जा रहा हूं, वापस से पूरी। ठीक है, आपने शो कर दी, इसका मतलब है कि ये एलिमेंट आपका माना कहां से था, आपने माना था आपने जी क्रॉस एच का, भेज कहां दिया आपने इसके अंदर, इसका मतलब जी क्रॉस एच इज सबसेट ऑफ जी वन क्रॉस एच वन इंटरसेक्शन जी टू क्रॉस एच टू। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने कुल मिला के क्या किया, मैं दूसरी कंडीशन में मैंने क्या किया 10 4 ईच। ये जो लिखते ना लाइन, ये लाइन वही लिखते हैं कि आपने अभी तक क्या माथापोड़ी की इतनी देर से। ठीक है, आपने क्या निकाला, क्या ढूंढा, क्या शो किया। तो देखिए मैंने क्या किया, 10 4 ईच एक्स कोमा वाई इज एलिमेंट ऑफ एक्स क्रॉस वाई के लिए, फोर एवरी बी वन तो मैंने माना था जी वन क्रॉस एच वन, और बी टू मैंने माना था जी टू क्रॉस एच टू इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी के लिए, ये भी कैपिटल बी के लिए। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एवरी बी वन एंड बी टू एंड एक्स कोमा वाई इज एलिमेंट ऑफ जी वन क्रॉस एच वन इंटरसेक्शन जी टू क्रॉस एच टू एंड देयर एग्जिस्ट जी क्रॉस एच इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ जी क्रॉस एच इज सबसेट ऑफ जी वन क्रॉस एच वन इंटरसेक्शन जी टू क्रॉस एच टू। इतना सारा मैंने शो कर दिया, मैंने ये माना और मैंने क्या शो कर दिया कि मेरे पास एक इस जी क्रॉस एच बी के अंदर ऐसा है जो ऐसी हरकत करता है। तो दोनों कंडीशन क्या हो गई स्टूडेंट, हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हेंस वी कैन राइट एक्स क्रॉस हेंस कैपिटल बी इज अ बेस फॉर एक्स क्रॉस फोर सम टोपोलॉजी फॉर एक्स क्रॉस फाइव। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको नोट कर लीजिए।